आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी राज्य में संगठन को नया रूप देने की तैयारी में पार्टी ने मध्य प्रदेश के संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक की तरफ से जारी पत्र में ये जानकारी दी गई। आप जल्द ही मध्य प्रदेश में अपने नए संगठन की घोषणा करेगी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के संगठन को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया था। पार्टी के पंजाब और चंडीगढ़ प्रभारी जर्नैल सिंह की तरफ से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 35 सीटों में से 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन अपना मेयर नहीं बना सकी। मेयर चुनाव में एक वोट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया था। बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के अनूप गुप्ता ने 15 वोट लेकर मेयर के पद पर कब्जा जमाया था। चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 14 वोट हासिल हुए थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में पदयात्रा की और आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा मेयर का चुनाव बार बार टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के विरोध में पदयात्रा निकालकर दिल्ली की जनता को बताया कि भाजपा किस तरीके से दिल्ली के अंदर आपका मेयर नहीं बनने देना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब तक मेयर के चुनाव के लिए 2 बार हाउस बुलाया जा चुका है, लेकिन कई बार गुंडागर्दी की साजिश करके भाजपा मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है। यही नहीं, सिर्फ दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के जनादेश का अपमान है, बल्कि उनका समय भी बर्बाद किया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती है कि दिल्ली में आपका मेयर हो, लेकिन वो नहीं चाहती कि दिल्ली में काम हो और दिल्ली से कूड़े से मुक्ति मिले। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शहरी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखा। कांग्रेस ने भी 3 शहरों में मेयर पद पर कब्जा करके अपने प्रदर्शन में सुधार किया। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद सबसे अधिक चर्चा आम आदमी पार्टी की हुई, जिसने पहली बार राज्य में कई सीटों पर झाड़ू चलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को संदेश दे दिया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अब हल्के में नहीं लिया जाता। रेडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।